अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत का पीछा। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, वो कौन से हैं और उनकी इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नंबर पर हम पाकिस्तान के जो पहले नंबर पर है उनकी बात करें तो पहले नंबर पर नाम शाहिद खान का आता है। नाज़रीन, शाहिद खान की इनकम की बात की जाए वो 8.3 मिलियन डॉलर के मालिक है। अगर हम इनके इनकम के सोर्सेज के बारे में बात करें तो इनके इनकम के सोर्सेज फ्लैक्सिंगेट, जैक्सन वैली और आर एलाइट वेस्टिंग कंपनी के ये मालिक है। नाज़रीन, शाहिद का एक पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन है, ये 1950 में पैदा हुए थे। शाहिद खान के बाद अगर हम पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन शख्स के बारे में बात करें तो वो नाम अनवर परवेज का आता है। नाज़रीन, अनवर परवेज 4.6 मिलियन डॉलर के मालिक हैं। अगर हम इनके इनकम के सोर्सेज के बारे में बात करें तो बेस्ट वे ग्रुप और UBL इनके इनकम के सोर्सेज हैं। नाज़रीन, अनवर परवेज 1935 में पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और 1950 में 21 साल की उम्र में वो बरतानिया चले गए। नाज़रीन, अनवर परवेज के बाद अगर हम पाकिस्तान के तीसरे अमीर तरीन शख्स की बात करें तो वो नाम मियां मोहम्मद मंशा का आता है। नाज़रीन, मियां मोहम्मद मंशा 3.7 मिलियन डॉलर के मालिक है। नाज़रीन, अगर हम इनके इनकम के सोर्सेज की बात करें तो वो है निशाद ग्रुप, MC बैंक लिमिटेड और DG खान करंट और एम्पोरियम माल है। नाज़रीन, मियां मोहम्मद मंशा का शुमार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले अफराद में होता है। मियां मंशा के बाद अगर हम पाकिस्तान के चौथे अमीर तरीन शख्स की बात करें तो वो नाम सदरुद्दीन आशवानी का आता है, जो कि 3.4 मिलियन डॉलर के मालिक है। नाज़रीन, सदरुद्दीन आशवानी ने कपास के कारोबार का आगाज 1960 में किया और आशवानी ने 1960 में एक बैन अकवामी कंपनी का आगाज किया जिसका नाम हाशु था। नाज़रीन, इस कंपनी में 20 से ज्यादा कारोबार मौजूद हैं और सदरुद्दीन हाशवानी को हुकूमत पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज से भी नवाजा था। सदरुद्दीन हाशवानी के बाद अगर हम पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन शख्स की बात करें तो वो नाम पाकिस्तान के साबिक सदर आसफ अली जरदारी का आता है, जो कि 1.8 मिलियन डॉलर के मालिक थे। नाज़रीन, ये 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं और अब पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन भी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।